देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर। नमस्कार, मैं हूँ यशी शुक्ला, स्वागत है आपका HBN न्यूज में। और अब वक्त है 5 मिनट में 25 खबरों का। अखिलेश यादव के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने पर बीजेपी नेता हुए खुश, कहा मेरे घर को बनाए चुनाव कार्यालय। गोवा में जहां पूर्व CM मनोहर पारिकर का रखा गया था शव, उस स्थान का कथित तौर पर कराया गया शुद्धिकरण। राहुल गांधी अमेठी के अलावा एक और सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी की प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने इन संभावनाओं पर चुटकी ली है। टीबी को समाप्त करने के लिए भले ही सरकार ने कमर कसी है, लेकिन इससे निजात मिलना उतनी ही दूर की कौड़ी प्रतीत हो रही है, क्योंकि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही 13,941 बच्चे टीबी की चपेट में हैं। सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान में 2 हिंदू लड़कियों के अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन के मामले पर रिपोर्ट मांगी। शशि थरूर बोले, आने वाले समय में कांग्रेस में प्रियंका का प्रभाव और बढ़ेगा। गुरुग्राम के भोंसी में 40 लोगों की भीड़ ने घर में घुसकर पूरे परिवार पर लाठी डंडों और तलवार से हमला कर दिया। रेलवे ALP रिजल्ट RRB की सभी वेबसाइट्स पर जारी कर दिया, उम्मीदवार अपना रिजल्ट रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि की मदद से लॉगिन कर चेक कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में अखिलेश यादव तो हैं, मगर मुलायम सिंह यादव का नाम नहीं। उत्तर प्रदेश सपा प्रमुख अखिलेश यादव आजमगढ़ तो आजम खान रामपुर से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। मथुरा सीट पर कांग्रेस की नजर है और हेमा मालिनी की प्रसिद्धि को टक्कर देने के लिए सपना चौधरी का नाम। पार्टियों के बीच मुकाबला और भी दिलचस्प होता जा रहा है। लोकसभा इलेक्शन 2019, क्या PM मोदी के गृह राज्य में इस बार भी बीजेपी कर पाएगी करिश्मा? सबकी निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात पर टिकी। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे समेत 5 मौजूदा सांसदों का टिकट काटा। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 8वीं सूची जारी कर दी। इस सूची में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड और मणिपुर की 38 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम किए घोषित। CM ममता और वाम दलों पर जमकर बरसे राहुल गांधी, कहा दोनों में अब कोई अंतर नहीं। उमा भारती नहीं लड़ेंगी 2019 का लोकसभा चुनाव, 1.5 साल गंगा और राम को समर्पित पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में उन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने का फैसला लिया। बीजेपी की एक और लिस्ट जारी, जयंत सिन्हा, नरेंद्र सिंह तोमर समेत 46 उम्मीदवारों के नाम। PM मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे तमिलनाडु के 100 से अधिक किसान। नवजोत सिंह सिद्धू ने PM मोदी पर कसा तंज, कहा तुम करो तो न्यारी लीला, कोई और करे तो कैरेक्टेड ही। आडवाणी के टिकट काटे जाने पर शिवसेना ने कहा भारतीय राजनीति के भीष्माचार्य को जबरन रिटायरमेंट दिया गया है। सरकारी नौकरी 2019, पुलिस विभाग में 10वीं और 12वीं और ग्रेजुएट के लिए निकली हजारों वैकेंसी। वित्त वर्ष 2012 से लेकर 2018 तक 2 करोड़ लोग हुए बेरोजगार, NSSO। नई दिल्ली पेट्रोल के दाम में शुक्रवार को मामूली वृद्धि दर्ज की गई, लेकिन डीजल के दाम में लगातार दूसरे दिन राहत रही। घरेलू क्षेत्र में विमान यात्रियों की संख्या फरवरी माह में दहाई अंक की वृद्धि आंकड़ों से नीचे खिसक गई। ब्रिटेन में नीरव मोदी की गिरफ्तारी के बाद PNB के शेयरों में 4% उछाल। और अब इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहिए HBN न्यूज। आप देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर।